सीमापुर नाम के एक गांव में निधि नाम की एक लड़की रहती थी। निधि बहुत ही गुणवान और सुशील लड़की थी। वो बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता दोनों उसको छोड़कर चले गए थे। तब से वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। निधि के चाचा चाची की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो निधि को बहुत प्यार करते थे। वो लोग कभी भी निधि को किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। निधि भी अपने चाचा चाची से बहुत प्यार करती थी। निधि का स्कूल पूरा हो चुका था, इसलिए उसके चाचा ने गांव के सबसे महंगे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया था। निधि भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। पढ़ाई के साथ साथ निधि दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन सुबह सुबह निधि कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी चाची ने कहा, निधि बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट ब्रेड ऑमलेट बनाए हैं। अरे वाह चाची, ये तो मुझे बहुत पसंद है, आप रुकिए मैं फटाफट रेडी होकर आती हूँ। निधि फटाफट रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। वो देखती है कि उसकी चाची ने उसके ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट और जूस रखा है। खुशी खुशी निधि सारा नाश्ता कर लेती है और अपनी चाची को बाय बोलकर कॉलेज जाने लगती है। तभी उसके चाचा वहाँ आते हैं और कहते हैं, सुनो निधि बेटा, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी चाची के घुटनों में कितना दर्द रहता है, इसलिए मैंने हॉस्पिटल में आज ही अपॉइंटमेंट ले रखी है। मैं तो मीटिंग में फंस जाऊंगा इसलिए आ नहीं पाऊंगा, तुम अपनी चाची को लेकर हॉस्पिटल चली जाओगी। हाँ चाचा जी क्यों नहीं, चाची मेरा इतना ध्यान रखती है, मैं आज कॉलेज से जल्दी आ जाऊंगी और चाची को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊंगी। ऐसा कहकर निधि कॉलेज चली जाती है और वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ते पढ़ते एकदम से उसका ध्यान अपने मोबाइल फोन पर जाता है। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी, आज मुझे चाची को लेकर हॉस्पिटल जाना था, अभी भी 15 मिनट है, फटाफट घर के लिए निकलती हूँ। निधि जल्दीबाजी में घर के लिए निकलने लगती है। वो अपने क्लासरूम से बाहर निकलती ही है कि तभी उसकी फ्रेंड उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रही हो मैडम, अभी टाइम नहीं हुआ है घर जाने का, अभी एक लेक्चर और लेना बाकी है। यार कविता, मुझे जल्दी घर जाना है, आज मुझे चाची को लेकर हॉस्पिटल जाना है और मैं भूल गई थी। चल ठीक है तू जा, वैसे मैं तुझे थैंक यू बोलने आई थी, कल वाले टेस्ट में तूने मेरी मदद की थी ना, इस कारण मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच, तू सच में बहुत अच्छी है। अरे पागल, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है, अच्छा चल ठीक है मैं जा रही हूँ, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। निधि जल्दीबाजी में घर जाने लगती है और इसी जल्दीबाजी के कारण एक बस के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और उसका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। निधि बेहोश हो जाती है, उसके पैरों से बहुत खून निकल रहा था। उसके आसपास के लोग उसका फोन लेकर उसकी चाची को फोन कर देते हैं। उसकी चाची अपने पति को बताती है और फिर दोनों पति पत्नी भागे भागे निधि के पास आते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। निधि की चाची का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। देखिए ना जी, मेरी बच्ची को क्या हो गया, ये मुझे हॉस्पिटल ले जाने के कारण ही जल्दी जल्दी आ रही होगी और जल्दीबाजी में ये सब हो गया। अगर निधि को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। भैया भाभी ने अपनी अमानत हमें सौंपी थी, हम वो भी संभाल कर नहीं रख पाए। हमारी निधि को कुछ नहीं होगा भाग्यवान, शुभ शुभ बोलो, देखना वो तुरंत ठीक हो जाएगी। निधि के चाचा चाची हॉस्पिटल के एक कॉरिडोर में सर पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं और निधि के चाचा चाची से कहते हैं, देखिए निधि का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साहब बताइए ना। निधि का एक पैर हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया है, वो पैर अब उसका कभी काम नहीं करेगा, इसलिए वो एक पैर से अपाहिज हो चुकी है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। निधि की चाची और चाचा की तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागे भागे निधि के पास जाते हैं और निधि को देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद निधि को होश आता है, तब उसे पता चलता है कि उसका एक पैर हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया है। ये जानकर निधि को भी बहुत बुरा लगता है और वो अपने चाचा चाची से कहती है, चाचा चाची ये सब क्या हो गया, मैं अब कभी चल फिर नहीं पाऊंगी, न ही कॉलेज जा पाऊंगी, ये मेरे साथ क्यों हुआ। तभी निधि के चाचा उसको हौसला देते हुए बोले, निधि बेटा इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और हम तुम्हारा बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाएंगे और तुम्हारा पैर ठीक करवा कर ही रहेंगे। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे।
और देखते देखते 2 साल बीत गए। निधि ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। उसके चाचा ने कई बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की, लेकिन निधि के पैरों का इलाज कहीं नहीं मिला। निधि का पैर ठीक हो पाएगा, इसकी उम्मीद सबने छोड़ दी थी। एक दिन चाची चाचा से कहती है, अजी सुनिए ना, ये तो हम दोनों को पता है कि अब निधि का पैर कभी नहीं ठीक हो पाएगा। एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर हम उसकी शादी करवा देते हैं, वो भी अपना घर बसा लेगी। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है भाग्यवान, लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो कि निधि अपाहिज हो चुकी है, उससे शादी करने के लिए कौन सा लड़का तैयार होगा? जी हम बहुत सारा दहेज देंगे, इतना पैसा देंगे कि वो लड़का शादी के लिए मना कर ही नहीं पाएगा। कुछ दिन मेरी बिटिया को दिक्कत होगी, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। उसके बच्चे होंगे, उसका घर बस जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। चाचा चाची की बात मान लेता है और निधि के लिए लड़का ढूंढने लगता है। कुछ दिनों में चाचा को एक लड़का मिल जाता है जिनका परिवार थोड़ा गरीब था। पैसों की लालच में वो लोग निधि से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निधि का चाचा मिठाई का डब्बा लेकर खुशी खुशी घर आता है। भाग्यवान, अरे कहाँ हो निधि बिटिया, कहाँ हो, जल्दी इधर आओ, खुशखबरी लेकर आया हूँ। निधि के चाचा की आवाज सुन चाची दौड़ी दौड़ी आती है और निधि भी बैसाखी की सहायता से हॉल में आती है और कहती है, क्या हुआ चाचा जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, ऐसी कौन सी खुशी की बात है, मुझे भी बताइए। बेटा अभी अभी तुम्हारी शादी तय करके आ रहा हूँ, लड़के वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाय, ये तो सच में खुशी की बात है, लाइए मुंह मीठा कराइए। सब खुश थे, लेकिन निधि उदास हो जाती है और कहती है, चाचा जी क्या आपने लड़की को ये बताया कि मैं अपाहिज हूँ, मेरा एक पैर काम नहीं करता? हाँ बेटा मैंने उसे बताया। उसके बावजूद भी वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया? हाँ बेटा यही तो खुशी की बात है। अब निधि भी बहुत खुश थी। उसको इस बात का पता ही नहीं था कि उसके ससुराल वालों ने पैसे के लालच में उससे शादी के लिए हाँ की है। कुछ दिनों में निधि की उस लड़के से शादी हो जाती है। लड़के का नाम पप्पू था। पप्पू के परिवार में 4 लोग थे, पप्पू खुद, उसका पिता, उसकी माँ और उसकी एक बहन। जब निधि शादी करके उस घर में गई, तो पप्पू की माँ और बहन का मुंह बन गया और उसकी बहन अमीशा बोली, लो जी ले आए लंगड़ी बहू, कहा था मैंने इतना लालच ठीक नहीं है, दहेज के लालच में लंगड़ी लड़की से शादी कर ली। अमीशा के मुंह से ऐसे वचन सुन निधि को बहुत बुरा लगता है और उसको समझ आ जाता है कि उसके चाचा चाची ने बहुत सारा दहेज देकर शादी के लिए हाँ करवाई है। उसको बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अमीशा के ससुराल में उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं होती थी। एक दिन निधि का ससुर ऑफिस से घर आता है और कहता है, अरे घर में कोई है क्या, एक गिलास पानी पिला दो। अपने ससुर की आवाज सुन निधि बैसाखी के सहारे गिलास में पानी लेकर आती है। ये देख उसका ससुर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम पानी लेकर क्यों आई हो, अब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि मैं किसी लंगड़ी के हाथों का पानी पीऊंगा। अमीशा बेटा मेरे लिए पानी लेकर आओ तुम। उसके बाद अमीशा पानी का गिलास लेकर आती है और उसका ससुर वही पानी पीता है। निधि का पति तो उससे बात भी नहीं करता था। निधि को वहाँ बहुत अकेलापन महसूस होने लगा, उससे कोई बात करने वाला ही नहीं होता था। एक दिन निधि अपने पति से बोली, सुनिए जी शादी के कितने दिन हो गए, चाचा चाची की याद आ रही थी, थोड़े दिन के लिए चली जाऊं। तुम्हें जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, समझी। ऐसा कहकर पप्पू नहाने बाथरूम में चला जाता है। निधि उदास होकर बेड पर बैठ जाती है। तभी अचानक से पप्पू के फोन पर किसी का कॉल आता है। निधि वो कॉल उठा लेती है, तभी वहाँ से आवाज आती है, हेलो बेबी कहाँ रह गए तुम, 10 बजे मिलने की बात हुई थी हमारी और अभी तक तुम्हारा कॉल भी नहीं आया, जल्दी आओ मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। निधि बिना कुछ बोले फोन काट देती है। थोड़ी देर में पप्पू नहा कर आता है और तैयार होने लगता है। निधि उसे देख रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे पूछे कि वो कहाँ जा रहा है। अंत में हिम्मत करके निधि पूछ ही लेती है, आप किसी लड़की से मिलने जा रही हैं क्या? तो मैं उससे क्या मतलब, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ और कुछ दिनों में उससे शादी भी करूँगा, कुछ कर सकते हो तो कर लो। अब तो पप्पू उसके सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लिया करता था और कभी कभी तो उसे घर भी ले आया करता था। निधि की जिंदगी बर्बाद हो गई थी।
एक दिन वो छत पर बैठकर रो रही थी। उसकी रोने की आवाज सुन वहाँ पर एक परी आई। परी ने निधि से कहा, क्या हुआ निधि, तुम रो क्यों रही हो? निधि परी को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं एक परी हूँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनी, फिर मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हारा नाम जाना, मैंने सोचा मैं तुम्हारी मदद करूँ। तुम्हें क्या परेशानी है बताओ मुझे। उसके बाद निधि उस परी को सारी बात बताती है। निधि की सारी बात सुनकर परी उससे कहती है, तुम चिंता मत करो निधि, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर परी वहाँ पर दो जादुई नेल पॉलिश प्रकट करती है और कहती है, ये जादुई दो नेल पॉलिश है, ये दोनों नेल पॉलिश अलग अलग प्रकार की है। लाल वाली नेल पॉलिश जैसे ही तुम अपने पैरों में लगाओगी तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और दूसरी नेल पॉलिश तुम अपने हाथों में लगाना, ऐसा करने से तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे प्यार करने लगेंगे। इतना कहकर परी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। दोनों नेल पॉलिश पाकर निधि बहुत खुश होती है। वो खुशी खुशी लाल वाली नेल पॉलिश अपने पैरों में लगाती है। उसके ऐसा करते ही उसके पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो बिना बैसाखी के ही चलने फिरने लगती है। ये देख निधि बहुत खुश होती है और उछलते हुए सीढ़ियों से नीचे जाती है। उसे लगता है उसके ससुराल वाले उसे देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। फिर निधि अपने मन में सोचती है, अरे इन्होंने तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। आइडिया, परी की दी हुई दूसरी नेल पॉलिश भी तो मेरे पास है। निधि परी की दी हुई दूसरी नेल पॉलिश अपने हाथ में लगा लेती है और किचन में खाना बनाने चली जाती है। खाना बनाकर वो अपने ससुराल वालों को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। खाना खाने के बाद उसकी सास कहती है, अरे वाह बहू, आज तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ, आज भाभी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। भैया आप बताओ भाभी के हाथ का खाना कैसा लगा? सच में निधि, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। निधि का ससुर भी उसकी तारीफ करता है। पहली बार अपने ससुराल वालों के मुंह से अपने लिए अच्छा सुनकर निधि को बहुत अच्छा लगता है। वो समझ जाती है कि ये सब परी की दी हुई नेल पॉलिश के कारण हुआ है। धीरे धीरे सबको उससे लगाव होने लगता है और उसका पति भी धीरे धीरे निधि की तरफ मोहित होने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है। एक दिन निधि का पति अपने सभी घर वालों के सामने निधि से पूछता है, निधि एक बात बताओ, हमें अच्छे से पता है कि तुम अपाहिज थी, इसलिए तुम्हारे चाचा चाची ने हमें बहुत सारा दहेज दिया था। ये बात सच है कि मैंने दहेज के चक्कर में तुमसे शादी की थी, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। लेकिन मुझे आज तुमसे ये पूछना है कि तुम्हारा पैर ठीक हुआ कैसे? निधि मुस्कुराती है और अपने सभी ससुराल वालों को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर उनको खुद में शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनका प्यार पाने के लिए निधि ने क्या कुछ नहीं किया। सब उससे एक एक करके माफ़ी मांगते हैं। मुझे माफ़ कर दो निधि, अब से मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हें दिल से पत्नी मानता हूं। वो पूरा परिवार निधि को अपना लेता है। तभी निधि देखती है कि उसके चाचा चाची उसके ससुराल आए हैं। वो अपने चाचा चाची से मिलकर बहुत खुश होती है और उन्हें भी सारी बात बताती है। वो पूरा परिवार आज रात निधि के हाथ से बना हुआ खाना खाता है। इस तरह परी के दिए हुए जादुई दो प्रकार के नेल पॉलिश के कारण निधि का बिखरा हुआ जीवन संवर जाता है। परियों की जादुई तीन नदी। एक बार की बात है, राजगढ़ नामक एक गांव में संगीता नाम की गरीब औरत रहती थी। उसकी तीन बेटियां थी, जूही, काजल और खुशी। कुछ समय पहले ही संगीता के पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। संगीता अपनी बेटियों का पालन पोषण करने के लिए जंगल में लकड़ियां काटती थी और उन्हें बेचती थी। संगीता की तीनों बेटियों में बहुत फर्क था। काजल बहुत समझदार थी, लेकिन जूही और खुशी अपनी घर की मजबूरियां नहीं समझती थी। मम्मी, आपने हमसे वादा किया था कि आप आज हमें 100 रुपए दोगी। हमने अपने दोस्तों से वादा करा है कि आज हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। चलिए जल्दी से 100 रुपए दे दीजिए, और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हमारी सभी दोस्तों में नाक कट जाएगी। हाँ मम्मी, खुशी सही कह रही है। अगर आज आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हमारे दोस्तों में नाक कट जाएगी। एक तो पहले ही वो लोग हमारी गरीबी का इतना मजाक उड़ाती हैं। बेटी, मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि तुम्हारी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकूं, लेकिन आजकल लकड़ियाँ ज्यादा बिक नहीं रही है। आज तो घर में राशन भी नहीं है, और तुम दोनों कह रही हो कि तुम्हें 100 रुपए चाहिए। चलो ठीक है,
मैं दूसरे गांव में जाकर लकड़ियां बेचकर आऊंगी तो मैं तुम्हें शाम को 100 रुपए दे दूंगी और राशन भी ले आऊंगी। ऐसा कहकर संगीता उदास होकर जंगल में लकड़ी काटने निकल जाती है और लकड़ी काट कर दूसरे गांव चली जाती है। लेकिन दूसरे गांव जाकर भी उसकी एक लकड़ी नहीं बिकती बल्कि उसके साथ एक बहुत बुरी चीज हो जाती है। उसका पैर फिसल जाता है और सारी लकड़ियां नदी में गिर जाती है। संगीता को बहुत दुख होता है और वो बहुत रोती है। अरे नहीं नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया, मेरी सारी लकड़ियां नदी में जाकर गिर गई। अब मैं घर राशन कैसे ले जाऊंगी, अपनी बेटियों को पैसे कैसे दूंगी। हे ऊपर वाले, तो हम जैसे गरीबों पर थोड़ा तो रहम कर। अब वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो उदास होकर अपने घर वापस लौट जाती है। लेकिन तभी रास्ते में वो देखती है कि एक अमीर औरत बचा हुआ खाना अपने कुत्ते को डाल रही थी। वो तुरंत ही उस अमीर औरत के पास जाती है और कहती है, अरे मैडम रुकिए, आप इस खाने को कुत्ते को मत खिलाइए, आप ये मुझे दे दीजिए। मेरे घर में राशन नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं मेहनत करके पैसे कमाने वाली औरत हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। मुझे खाना इसलिए मांगना पड़ रहा है क्योंकि बहुत दिन से मेरी लकड़ियाँ नहीं बिक रही है। इसलिए आज मैं अपनी लकड़ियाँ दूसरे गांव में बेचने गई थी, लेकिन वहाँ मेरी लकड़ियाँ नहीं बिकी बल्कि मेरी सारी लकड़ियाँ नदी में गिर गई। अरे बाप रे बाप, इतनी ज्यादा मजबूरी, तुम तो मेहनत करने वालों में से लगती हो। चलो कोई बात नहीं, ये खाना तो बासी है, इस खाने को कुत्ते को ही खाने दो। तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे घर का काम कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, और वैसे भी आज मेरी नौकरानी नहीं आई है। वो सब सुनकर संगीता बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही उस औरत के घर का काम करने लग जाती है। काम खत्म होते ही वो औरत संगीता को पैसे दे देती है और संगीता अपनी बेटियों के लिए खाना खरीदती है और अपने घर जाने लगती है कि तभी उसको एक कार टक्कर मार देती है और उसको बहुत चोट लग जाती है। कुछ लोग मिलकर संगीता को उसके घर पहुंचाते हैं। काजल अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। माँ आपको ये क्या हो गया, आपको कितनी ज्यादा चोट आई है। मम्मी आप जानबूझकर रात में इतनी देर से आई हो और आपने जानबूझकर चोट भी लगा ली। आज आपकी वजह से हमारे दोस्तों ने हमें बहुत बेइज्जत किया है और आप तो कह रही थी कि राशन लाओगी, लेकिन आप राशन भी नहीं लाई। हम तीनों सुबह से भूखे हैं, हमने आपसे कुछ पैसे क्या मांग लिया, आपने हमें खाना ही नहीं दिया। तुम दोनों थोड़ी तो शर्म करो, माँ को कितनी ज्यादा चोट लगी है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि वो कैसे न कैसे करके हमारे लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करती है। पिताजी की मृत्यु के बाद माँ ने ही हमें संभाला है। बस अब बहुत हो गया, अब माँ घर में आराम करेंगी और हम तीनों शहर जाकर नौकरी करेंगे। अरे ओ मम्मी की चमची, क्या कह रही है, हम तीनों शहर जाएंगे, लेकिन शहर जाने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए। खाने तक के तो पैसे हैं नहीं, शहर जाने की बात करती है। तुम दोनों इस बात की चिंता मत करो, मुझे जंगल में से शहर जाने वाला रास्ता पता है। जूही और खुशी काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन काजल तब भी खुशी और जूही को अपने साथ शहर ले जाती है। काजल ने जो जंगल का रास्ता बताया था उस रास्ते पर वो तीनों पहुंच जाती हैं। वहां पर बहुत डरावनी डरावनी आवाज आ रही थी। तीनों बहनों को घने जंगल में एक बुढ़िया दिखाई देती है। बुढ़िया तीनों बहनों को देखकर कहती है, बेटी ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ इंसान आते जाते नहीं है, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो। वैसे लगता है ऊपर वाले ने मेरी पुकार सुन ली, इतने दिनों बाद कोई इस जंगल में आया। बेटी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ओ बुढ़िया, हमारे पास खाना होता और पैसे होते तो हम यहाँ होते, हम अपने घर में आराम से बैठे होते, फिर हम शहर नहीं जा रहे होते यहाँ से। हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। खुशी वो तुमसे बड़ी है, उनसे तमीज से बात करो, अगर हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो हमें इनसे प्यार से मना कर देना चाहिए, हमें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अम्मा जी हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कहकर काजल जूही और खुशी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चलते चलते जूही खुशी से कहती है, खुशी अगर जंगल में कोई जंगली जानवर मिलेगा ना तो मैं इसको उसके सामने धकेल दूंगी। अरे यार मुझसे काम वाम नहीं हो पाएगा, मुझे इस उम्र में काम नहीं बल्कि एंजॉय करना है। जूही और खुशी जैसा चाह रही थी वैसा हो जाता है। उनके सामने दो शेर आ जाते हैं। जूही तुरंत ही काजल को शेर के सामने धक्का मार देती है और दोनों बहनें वहां से भाग जाती है।
काजल बेचारे बेबस हो गई थी। शेर उसके तरफ बढ़ता चला आ रहा था। काजल बहुत हिम्मत से काम लेती है और उसकी आंखों में मिट्टी उड़ाकर फेंक देती है और भाग जाती है। रास्ते में काजल को जूही और खुशी भी मिल जाती है। दोनों बहनें बहुत हैरान थी कि ये शेर से बच के कैसे आ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद तीनों बहनों को तीन नदी दिखाई देती है। तभी जूही गुस्से में काजल से कहती है, सुन काजल, तू हमें कौन से रास्ते से लेकर आई है? तूने तो हमें कहा था कि रास्ते में सिर्फ एक ही नदी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो तीन बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। तीनों बहनें आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। बच्चियों, ये परियों की जादुई तीन नदियाँ हैं। एक नदी में तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे और दूसरी नदी में हीरे जवाहरात मिलेंगे, लेकिन तीसरी नदी के अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें परीलोक जाने का रास्ता मिलेगा। वहाँ पर जाकर तुम्हें परीलोक की परियों की सेवा करनी पड़ेगी, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम कौन सी नदी चुनती हो? कोई पागल ही होगा जो सोने के सिक्के छोड़कर परियों की सेवा करने जाएगा। हमें तो सोने के सिक्के वाली नदी में जाना है, जिससे हम शहर जाकर ऐश कर सकें। परी जी, मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ, अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, और हाँ, जो मुझे सेवा करके थोड़े से पैसे मिलेंगे, मैं उन्हीं से अपना गुजारा कर लूँगी। उन पैसों से मैं शहर जाऊँगी और शहर में कोई अच्छा सा काम ढूँढ लूँगी, जिससे मैं अपना घर चला सकूँ। मैं अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहती हूँ, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। उसके बाद तीनों बहनों को अपनी अपनी नाव मिल जाती है। खुशी अपनी नाव में सोने के सिक्के भरने लग जाती है और जूही अपनी नाव में हीरे भरने लग जाती है। जूही और खुशी बहुत लालच करती हैं, जिसकी वजह से उनकी नाव ओवरलोड हो जाती है और वो दोनों पानी में डूबने लग जाती है। लेकिन काजल के साथ ऐसा नहीं हुआ था। उसके नाव में बहुत सारा पैसा आ जाता है और उसके नाव ओवरलोड भी नहीं होती। जैसे ही काजल अपने दोनों बहनों को डूबता देखती है तो वो परी से कहती है, परी जी, मेरी बहनों को बचा लीजिए, ये दोनों डूब रही हैं, वो दोनों मर जाएंगी, उन्हें बचा लीजिए। बच्ची, मैं तुम तीनों की परीक्षा ले रही थी, मैं देख रही थी कि तुम में से कौन लालच करेगा और कौन नहीं। बेटी, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुम्हारे नाव में ज्यादा धन आने के बाद भी तुम नहीं डूबी। इन दोनों ने लालच किया और अपनी नाव में बहुत सारे सोने के सिक्के और हीरे भर लिए, इसलिए इनकी नाव डूब गई। परी जी, मेरी बहनों को बचा लीजिए, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। काजल के ऐसा कहने पर परी खुशी और जूही को नदी से बाहर निकाल देती है। उसके बाद खुशी और जूही काजल से माफ़ी मांगती है। बहन, मुझे माफ़ कर दे, हमने लालच किया, हमने कभी भी अपनी माँ की मजबूरी नहीं समझी, हमने हमेशा ऐश करना चाहा। ऐसी ही दोनों बहनें काजल से माफ़ी मांगती हैं और काजल उन्हें माफ़ कर देती है। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है और जूही, काजल और खुशी तीनों शहर जाकर एक अच्छी सी और बड़ी कपड़े की दुकान खोलती है। तीनों बहनें अपने कपड़े की दुकान पर जी जान से मेहनत करती थी। थोड़े दिन बाद काजल अपनी माँ संगीता को भी शहर ले आती है और संगीता अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।